मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटककर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। बात करो इनमें जर्नी के पहले क्या लाइफ स्टाइल मेरा रहा, क्या जीवन रहा। पहले सिंपल समय भी आप लोगों की तरह कॉलेज जाता हूँ था, पहले पढ़ता था और मोबाइल चलता था, सोता था, रात में 2-2 बजे तक जगना, फिर जो रात में जो मॉर्निंग में 9 बजे तक सो के उठना, फिर तुरंत बिना नहाए कॉलेज चले जाना, ऐसा हमारा लाइफ स्टाइल था पहले का। ऐसे जिंदगी हम जी रहे थे, बट मन में था कि कुछ नहीं कुछ करना तो है। तो एक दिन मैं कानपुर गया था घूमने के लिए, तो कानपुर में एक ऐसे अनुन पर्सन मिल गए थे रास्ते में, उन्होंने नंबर हमें एक्सचेंज किया कि हाँ आप कुछ करना चाहते हो पार्ट टाइम सब कुछ, तो उनकी पर्सनलिटी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। हाँ मतलब वो भी बीटेक कर रहे थे वहाँ से कानपुर से, और फिर मैं उनसे मुलाकात हुई, और जिनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि आप पार्ट टाइम कुछ करके यहाँ से कुछ अच्छा कर सकते हो, पूरा प्लान दिखाया सब कुछ बताया, मुझे मतलब बहुत कुछ अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मतलब वो पर्सनलिटी जो कि वो इंसान सामने बैठे थे बता रहे थे कि मैं इनके जैसा बन गया बोलना, तो कहीं कि जो मेरा प्लेसमेंट होगा इनसे अच्छी मिल सकती है और अच्छी कंपनी में मिल सकता है, क्योंकि मुझे ऐसे इंसान बनना था। तो ये सोचकर मैंने इसको स्टार्ट किया, और बगल में पीएनबी का वो जो है एटीएम था, और एटीएम से मैंने सबको पैसे निकाल के पेमेंट किया एक अननोन पर्सन को, क्योंकि एक भरोसा किया कि चलो कुछ हो सकता है यहाँ से। बाकी शॉपिंग कहीं से करता ही करता था, चलो यहाँ से भी जो शॉपिंग करता हूँ कुछ होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ एक भरोसा करके अननोन पर्सन पे वहाँ से मैं निकला और काम को इतना स्टार्ट किया, करते करते काम करना स्टार्ट किया, और फिर आज ऐसा माहौल है कि बात करूँ टीम साइज की तो एक सौ भी नहीं, दो सौ भी नहीं, तीन सौ भी नहीं, चार सौ भी नहीं, पाँच सौ भी नहीं, छः सौ भी नहीं, सात सौ भी नहीं, आठ सौ भी नहीं, नौ सौ भी नहीं, पूरे 1000 की टीम को आज मैं जो लीड कर पा रहा हूँ। जिस कॉलेज में हम पढ़ाई कर रहे हैं उस कॉलेज की बात, जो अचीवमेंट की बात करूँ, मेरे लिए ये टीम सबसे बड़ी बात नहीं है, पैसे बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है जो मेरी पर्सनालिटी ग्रो हो पाई। आज पूरे कॉलेज में अभी 1.5 महीना मुझे नहीं हुआ कॉलेज में एडमिशन ली हो, लेकिन कॉलेज का एक बच्चा उसके फैकल्टी जानती है, टीचर के बाद जब किसी का नाम आता है तो मेरा ही नाम लोग पुकारते हैं। सबसे अच्छी बात ये कि जो मैं इसकी हर सीख पा रहा हूँ, जो अपना ग्रोथ कर पा रहा हूँ, सबसे बड़ी बात ये है। कभी कभी जब मैं क्लास में जाता हूँ किसी दूसरे के क्लास में, तो एक बार क्या हुआ कि मैम ने कहा कि जाके कुछ वहाँ पर देना है क्लास में और कुछ बोल के आना, ठीक है, उन्होंने कुछ चेक कर दिया, और जैसे मैं क्लास में एंट्री किया मैंने कहा गुड मॉर्निंग एवरीवन, सब बच्चे फटाफट खड़े हो गए। बाद में मान चला कि अरे ये तुम्हें पढ़ता है, बाद में लोगों को मालूम चला। बड़ी अचीवमेंट ये है कि मतलब अपना एक वैल्यू बन पा रहा है, अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो पा रही है। तो मेरा मिशन ये है कि हम और भी अपने साथ में और अच्छे यूथ को आएं जो कि आगे बढ़ना चाहते हों, और मैं चाहता हूँ जो मेरे दल लोग अपनी लाइफ में व्यस्त थे, अलग अलग गलत काम करते थे, अलग समय बर्बाद करने वाला, वैसा कोई ना करे। और मुझे पता हर इंसान चाहता है अच्छा करना, बट उसे क्या होता है सही प्लेटफॉर्म, सही माहौल, सही इन्वायरमेंट और सही लोग नहीं मिल पाते। तो इसलिए मेरा मिशन है कि मैं और लोग अपने साथ में लेकर आ पाऊँ, उनको सपोर्ट कर पाऊँ, उनको आगे बढ़ाऊँ, और मैं तो बढ़ ही रहा हूँ, और अपने साथ में लोगों को भी आगे बढ़ाने का मेरा काम है। और थैंक करना चाहूँगा कि क्योंकि जो यहाँ पर सपोर्ट मिलता है वो जबरदस्त नहीं, जबरदस्ती मिलता है, क्योंकि कभी कभी होता क्या, कभी कभी आलस मेरे अंदर भी आता था, क्योंकि भाई वो जब कहते हैं जब ब्लड में ही आलस है था, तो धीरे धीरे दूर होने पर समस्या लगा था। तो सर लोग सपोर्ट करते हैं एक पीछे से हवा देने का, तो थैंक यू सो मच सर, बहुत सारा सपोर्ट जो सर ने किया। और थैंक यू सो मच भरोसा कर रहे हो तो बिलीव मानना दोस्त, बहुत कुछ बड़ा करेंगे और मिलकर करेंगे, बस सिर्फ क्या करना है बिलीव करना है। ओके थैंक यू सो मच सर।